तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किल मूवी की चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1300 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। बात करें इस मूवी के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने पहले दिन 1,30,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया था। वही दूसरे दिन फिल्म ने थोड़ा सा ग्रोथ किया और 2,50,00,000 की कलेक्शन कर चुकी है। वही फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे में भी ग्रोथ देखने को मिला, वहीं लगभग 2,70,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया इस मूवी ने संडे के दिन, जिससे इस फिल्म के तीन दिनों का टोटल नेट कलेक्शन 6,50,00,000 का हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 7,30,00,000 का हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में काफी अच्छा कलेक्शन किया। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 5,40,00,000 रुपए की कलेक्शन की है। बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी के तीन दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 12,70,00,000 रुपए का हो चुका है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के चौथे दिन की कलेक्शन की तो आज इस फिल्म के कलेक्शन ठीक ठाक दिख रहे हैं। ये फिल्म अपने चौथे दिन में इंडिया में लगभग 1,60,00,000 रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने वाली है। वही बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट करीब 30 करोड़ के आसपास है और वही फिल्म का रिव्यू अच्छे आ रहे हैं। फिल्म की स्टोरी भी काफी अच्छी है लेकिन फिल्म गलत टाइम पर रिलीज हुई है। यह भाई लोग अब इस फिल्म के सामने कल्कि है जो कि काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। वहीं इस हफ्ते कमल हसन की फिल्म हिंदुस्तानी 2 और अक्षय कुमार की फिल्म सिरपरा भी रिलीज होने वाली है। उसके बाद इस फिल्म के जो शो है और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों किल फिल्म शुरुआती 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14 करोड़ के आसपास कर रही है और फिल्म के स्टार कास्ट के हिसाब से एक डिसेंट कलेक्शन है। तो अब देखते हैं कि कल इस मूवी की कमाई में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो भाई लोग मिलते हैं इस वीडियो में और भी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।